नमस्कार। अब साइबर अपराध देशों के सामने नई चुनौती, आखिर कितना तैयार है भारत? हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोरोना के समय में ऑस्ट्रेलिया की संचार प्रणाली पर बुरा असर हुआ है, संचार प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी बीच अब साइबर विशेषज्ञों ने भारत में भी एक बड़े साइबर हमले की आशंका व्यक्त की है। सरकार ने व्यक्तियों और व्यवसायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले के खिलाफ चेतावनी दी है, जहां हमलावर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी के लिए कोविड के तहत एकत्रित किए गए डाटा को चोरी कर सकते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के सलाहकार चेतावनी जारी की है कि संभावित साइबर हमले सरकारी एजेंसियों, विभागों और व्यापार निकायों का टारगेट कर सकते हैं, जिन्हें सरकारी वित्तीय सहायता के संवितरण की देखरेख करने को सौंपा गया है। हमलावरों से स्थानीय अधिकारियों के बहाने दुर्भाग्यपूर्ण ईमेल भेजने की आशंका है, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित कोविड 19 समर्थन पहल के प्रभारी है। जानकारी के अनुसार साइबर हमलावरों के पास 2 मिलियन ईमेल आईडी होने की आशंका है और ऐसे समय लुभावनी ईमेल भेजने की योजना बना रहे हैं। भारत में पूर्व में भी साइबर हमले होते रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2016 में बैंक खाता धारकों के 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड की व्यक्तिगत जानकारी का लीक होना और उनका डाटा चोरी होना भारत में एक बड़ा साइबर हमला था। वर्तमान में साइबर सुरक्षा रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसका प्रभाव क्षेत्र किसी देश के शासन, अर्थव्यवस्था और कल्याण के सभी पहलुओं को कवर करने में सैन्य प्रभाव व उसकी महत्ता से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इससे संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। हाल के दिनों में साइबर हमले बढ़ने के खतरे ज्यादा है। देश में धोखाधड़ी के कॉल से लेकर मालवर्स तक बढ़ती साइबर अपराध बैंकिंग सिस्टम को एक ठहराव में ला सकते हैं। वर्तमान समय में वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे की जांच के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की जरूरत आन पड़ी है। साइबर सुरक्षा आज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब देश एक कैशलेस समाज और डिजिटलीकरण की दिशा की ओर बढ़ रहा है, कोरोना के इस दौर में जब अधिकांश कार्य ऑनलाइन लेन देन और कैशलेस हो रहे हैं, तब भारत में साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेना सर्वोपरि है। सुरक्षा एक चुनौती है, क्योंकि निजता एक मौलिक अधिकार है और साइबर अपराधों में वृद्धि से निजता उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा खो सकती है। साइबर सुरक्षा आज साइबर कानून का एक महत्वपूर्ण कानून बन गया है। वैसे भी भारत सरकार ने देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। तकनीकी पहल और परिवर्तन की दिशा में भारत को आगे बढ़ाने के लिए आधार, मेगा, गवर्नमेंट ई मार्केट, डिजी लॉकर, भारत नेट, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और स्मार्ट सिटीज रूप करने के लिए शुरू करने के से लेकर कई पहलों का भविष्य अब डिजिटलीकरण पर निर्भर है। वर्तमान समय में वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे की जांच के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की जरूरत आन पड़ी है। भारत में यह जरूरी है कि साइबर नेटवर्क सॉफ्टवेयर और साइबर फिजिकल सिस्टम और प्लेटफॉर्म साइबर सिक्योर हो। इसके लिए लोगों, नीतियों और प्रौद्योगिकी के साथ साथ मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी के विवेकपूर्ण मिश्रण की आवश्यकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर निर्भरता और कमजोरियों की पहचान करने में हमारी अर्थसमर्थता एक प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम है। इस क्षेत्र में आवश्यक विभिन्न सॉफ्टवेयर
और हार्डवेयर से संबंधित तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए भारतीय सैन्य बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, कानून एजेंसियां, प्रवर्तन एजेंसियों में कुशल लोगों का अभाव है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकी की समझ रखने वाले पेशेवरों की कमी है। कई विशेषज्ञों के अनुसार आज देश को वर्तमान में कम से कम 3 मिलियन साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता है। सरकार और निजी क्षेत्र को संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा को अपनी सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन योजना में कुछ प्राथमिकता देनी होगी। भारत में यूरोपीय संघ की तरह सामान्य डेटा संरक्षण मिनिमम या अमेरिका का क्लेरिफाइंग लॉ फुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा की तरह सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन में साइबर स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक ही संगठन है, जबकि भारत में कई केंद्रीय निकाय है जो साइबर मुद्दों से निपटते हैं। इसलिए प्रत्येक निकाय में एक अलग रिपोर्टिंग संरचना होती है, जिससे विनिमायक संगठनों की कार्य प्रणाली में एक रूपता का अभाव नजर आता है। भारत में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण का अभाव है। ये भारत के साइबर स्पेस को साइबर मामले हमले से निपटने में दुर्बल कर देता है। आज भारत में सोशल मीडिया सूचना के प्रसार का एक शक्तिशाली उपकरण बन रहा है, जिससे भ्रामक समाचार तेजी से फैलते हैं, जो साइबर सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते रहते हैं। सरकार और निजी क्षेत्रों को संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा को अपनी सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन योजना में कुछ प्राथमिकता देनी होगी। साइबर जागरूकता का प्रसार होना चाहिए और बहुहितधारक दृष्टिकोण होना चाहिए। तकनीकी इनपुट, कानून प्रवर्तन प्रणालियों को मजबूत करना होगा, बेहद जरूरी है। भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र जैसे संस्थान सभी टीम भावना से उचित कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे कुशल श्रम शक्ति और उचित समन्वय की कमी से पीड़ित है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और एनसीसी को विभिन्न संस्थानों के बीच बहुत आवश्यक तालमेल लाने और साइबर सुरक्षा के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का काम करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों को साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। साइकिल चलाने से रहेंगे फिट, जाने इसके फायदे। साइकिल का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ये साइकिल ही है जो एक गरीब के पास भी होती है और अमीर के पास भी। आज हम आपको बताएंगे साइकिल से होने वाले फायदों के बारे में। सेहत के लिए फायदेमंद, साइकिल चलाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। एक शोध के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल चलाता है, उसे कोई और एक्सरसाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। साइकिल चलाने से शरीर के सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाता है। आप ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल चलाने से इम्यून सेल एक्टिव हो जाते हैं और बीमार होने का खतरा कम हो जाता है, वजन नहीं बढ़ता है। रोजाना साइकिल चलाने से वजन बढ़ने की समस्या दूर हो जाती है।
साइकिल चलाने से कैलोरी नष्ट होती है और एक्स्ट्रा फैट कम होते हैं। साइकिल के सिर्फ स्वास्थ्य लाभ ही नहीं, इसके और भी कई फायदे हैं। वातावरण के लिए फायदेमंद है, साइकिल का इस्तेमाल करने से प्रदूषण नहीं होता है। बहुत से देशों में लोग साइकिल का इस्तेमाल अधिक करते हैं। सबसे सस्ता साधन, साइकिल सबसे सस्ता साधन है। जहां आपको दूसरी गाड़ियों में तेल के लिए पैसे खर्च करने होंगे, वहीं आपको साइकिल में ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वास्थ्य के साथ साथ साइकिल आपके पैसे बचाने का काम भी करती है। साइकिल की हर किसी तक पहुंच। साइकिल एक ऐसा वाहन है जिसकी पहुंच समाज के हर वर्ग तक है। बड़ी बड़ी गाड़ियां सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होती है, परंतु साइकिल एक ऐसी चीज है जो गरीब से लेकर अमीर के पास भी होती है। इसका इस्तेमाल गरीब भी करता है और अमीर भी। सबसे पहले साइकिल, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो सबसे पहले साइकिल चलाना ही सिखाया जाता है। साइकिल से ही गाड़ी सीखने की शुरुआत होती है। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।